दोस्तों, जब जब द ग्रेट खली को गुस्सा आया, तब तब उन्होंने अच्छे अच्छों को मसल कर रख दिया। और कई पल ऐसे भी आए जब खली ने WWE में कई रेसलर्स को बचाया भी। तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग फिनोमेना चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे ही मोमेंट्स के बारे में जब महाबली खली ने रेसलर्स को बचाया बुरी मार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर पांच पर आता है वो मोमेंट जब द ग्रेट खली ने बचाया हॉर्नस्वोगल को ड्रू मैकिंटायर से। दोस्तों, ये बात है साल 2012 की, जब ड्रू मैकिंटायर ने हॉर्नस्वोगल का सामना किया था सिंगल्स मैच में। यहाँ मैकिंटायर हॉर्नस्वोगल को बुरी तरह से मारते हैं, जिससे उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि हॉर्नस्वोगल आगे मैच नहीं लड़ पाते। और मैकिंटायर यहाँ काफ़ी खुश होते हैं और हॉर्नस्वोगल का मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि मैकिंटायर इस मैच को जीत लेते हैं। पर इतने में ही वहाँ ग्रेट खली आकर मैकिंटायर के सिर पर एक खली चॉप दे देते हैं, जिससे मैकिंटायर रिंग के बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद में द ग्रेट खली अपने दोस्त हॉर्नस्वोगल के पास जाकर उन्हें चेक करते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं। नंबर फोर पर आता है वो मोमेंट जब द ग्रेट खली ने बचाया रे मिस्टेरियो को केन से। दोस्तों, ये बात है स्मैकडाउन लाइव के एक एपिसोड की, जब उस समय के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रे मिस्टेरियो ने केन का सामना किया था। और यहाँ केन ने रे मिस्टेरियो को चॉक स्लैम देकर पिन करके उन्हें इस मैच में हरा भी दिया था। लेकिन इसके बाद भी केन रे मिस्टेरियो पर हमला, अपने गेब्रियल को तीन रेसलर से बचाना। दोस्तों, ये बात है साल 2012 की, जब स्मैकडाउन के एक एपिसोड में जस्टिन गेब्रियल का मैच होना था हुनिको के साथ में। पर मैच के शुरू होने से पहले ही कोडी रोड्स जो है वो जस्टिन गेब्रियल पर पीछे से हमला कर देते हैं, और उसके बाद में हुनिको और कमाचो भी अटैक कर देते हैं गेब्रियल पे। इतने में एंट्री होती है महाबली खली की, जो रिंग में आकर खलबली मचा देते हैं। खली को देखकर कोडी रोड्स तो वहां से पहले ही निकल लेते हैं, पर हुनिको और कमाचो आ जाते हैं ग्रेट खली के लपेटे में, और इसका अंजाम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। और द ग्रेट खली उन दोनों की ही बहुत ही गंदी तरीके से पिटाई कर डालते हैं। नंबर टू पर आता है द ग्रेट खली का रे मिस्टेरियो को केन और मार्क हेनरी के हमले से बचाना। दोस्तों, ये बात है साल 2008 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, जब रे मिस्टेरियो ने टीम अप किया था कोफी किंगस्टन के साथ में, और उन्होंने सामना किया था मार्क हेनरी और केन की टीम का एक टैग टीम मैच में। मैच के अंत में मार्क हेनरी कोफी किंगस्टन को अपना वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम देकर उन्हें पिन करके हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद केन और हेनरी दोनों मिलकर रे मिस्टेरियो पर हमला करने लगते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, और इतने में ही वहां आ जाते हैं द ग्रेट खली। सबको ऐसा लगता है कि वहां द ग्रेट खली रे मिस्टेरियो पर हमला करने के लिए आए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। खली ने पहले तो केन से कहा कि तू उसको क्यों मार रहा है, पर केन ने खली को इग्नोर कर दिया और रे मिस्टेरियो की गर्दन पकड़ ली। फिर क्या था, खली ने केन की टकली पर चॉप दे दिया, परिणाम स्वरूप केन वहीं धराशाही हो गए। फिर खली ने रिंग में एंट्री मारी और मार्क हेनरी से हिसाब बराबर किया, जिसके बाद में रे मिस्टेरियो और द ग्रेट खली ने मिलकर मार्क हेनरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां पहले तो रे मिस्टेरियो ने 619 मारा, जिसके बाद में ग्रेट खली ने अपना खली चॉप देकर मार्क हेनरी को सबक सिखाया। नंबर वन पर आता है द ग्रेट खली का जिंदर महल को रेंडी ऑर्टन से बचाना। दोस्तों, ये बात है बैटल ग्राउंड 2017 पेपरव्यू की, जब द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल ने अपनी WWE चैंपियनशिप द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड की थी। मैच के एंड में ऐसा लगता है कि जिंदर महल मैच हार जाएंगे और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीतकर न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे। पर अचानक से रैंडी ऑर्टन और वहां बैठे फैंस के वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन जिंदगी वही रही। वहां अचानक से शेर को बचाने के लिए बब्बर शेर आ गया, और ग्रेट खली ने आकर रैंडी ऑर्टन की गर्दन को अपने दोनों हाथों से दबा दिया, जिसका फायदा उठाकर जिंदर महल ने पंजाबी प्रिजन को पार करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया और इस मैच को जीत लिया। मतलब साफ है कि भारत से WWE में कितने भी शेर आ जाएं, लेकिन बब्बर शेर एक ही था और एक ही रहेगा, और वो है हमारे भारत देश के द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा। क्योंकि आप इंडिया के प्राउड है, कौन से ना हो, एज अ स्टार कोई भी होएगा हिंदुस्तान। वो
कोई बंदा जिंदर महल से ग्रेट खली से बड़े नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।